अरे हमारे यहाँ तो राहुल गांधी भी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, क्या नाम नीतीश कुमार भी हैं, सुन लीजिए, अखिलेश को यादव भी हैं, नीतीश विपक्ष में नीतीश कुमार भी हैं, एमके स्टालिन भी हैं। आपके यहाँ मोदी के अलावा प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन है? एक नाम बता दो, हिम्मत हो, हैसियत हो और हौसला हो। नरेंद्र मोदी के अलावा 2024 में कौन प्रधानमंत्री होगा एनडीए बता दे। क्या बात है, गुड शॉट। देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के मायावी शासन से अंत के लिए कोई उनके माथे पे तीर मारेगा, कोई उनकी भुजाओं पे तीर मारेगा, कोई उनकी जंघाओं पर तीर मारेगा और राहुल गांधी उनकी नाभि पर तीर मारेंगे। मतभेद हैं हमारे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं से कहिए फोकस करें, इंडियन ऑयल की वेबसाइट 1264 मैं जिम्मेवारी से कहता हूं अपने कैमरामैन से फोकस करें, एक रसीद दिखा दे जिसमें 1241 रुपए में सिलेंडर लिए हूं। क्या क्या बात, ये बात है? अरे सर क्या बात है, जनता में बैठ के जनता को भ्रमित मत करो। सुरेंद्र जी मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। मैं आप दोनों को जनता में बैठ के भ्रमित मत करो। मुझे झूठ बोलते हैं, मुझे इस डिबेट को जिन इश्यूज पे ले जाना है उसको बात करने दीजिए। एक मिनट चाहिए, सुरेंद्र जी झूठ बोल रहे हैं, दिखाओ 355 का सिलेंडर, 355 सिलेंडर बात करो, चाहिए दिखाइए, हमने तो दिखा दिया, झूठ मत बोलिए। तुम लोग मांडोली करके इस लड़ाई को रोक सकते हो यार, और अगर मार काट ही करनी है तो मैं जरा साइड में हो जाता हूँ। आप दोनों को सुरेंद्र जी से हमें इस तरीके की कोई उम्मीद नहीं है, जब दिखा दिया उसी में करो कैमरा पे और खाली आप क्या कह रहे हैं। मैं आप दोनों को झूठ झूठ अभी मजा आएगा ना भिड़ो, आप दोनों को 30-30 सेकंड दे रहा बिल्कुल, उसके बाद दूसरे मुद्दे पे बोलिए। 2014 में सिलेंडर जो है आम जनता को 395 रुपए में मिलता था। रस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और इसका कोई अगर प्रमाण दिखा दे कि 1241 रुपए जनता को देने पड़ते थे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 395 रुपए में सिलेंडर जनता को मिलता था, रसीद उसको 395 रुपए की मिलती थी। जली ना, तेरी भी जली ना। सब्सिडी की जो शर्त थी वो 2014 में समाप्त हो गई, क्योंकि 1 जनवरी 1995 को WTO के साथ कांग्रेस सरकार जो एग्रीमेंट करके गई थी उसके तहत 2010 में पहले सब्सिडी समाप्त हुई पेट्रोल और डीजल पे, और उसके बाद एलपीजी गैस के ऊपर 2014 में सब्सिडी समाप्त हो गई। जब सब्सिडी नहीं रह गई, आप समाप्त करके गए थे सब्सिडी का सिलेंडर, वो भी सिर्फ 6 देते थे, क्या 6 सिलेंडर सबका काम चल जाता था? वो ओपन मार्केट में 1241 का था, और ये सरासर झूठ बोल रहे हैं, और सब्सिडी का प्रावधान अपने जमाने में समाप्त करके गए। हम ये कह रहे थे कि अगर हम जनता की भलाई की राजनीति कर रहे हैं, अगर आप करो स्वागत है, आप तो यही तो चाहते हैं कि जनता की फायदे की राजनीति हो, ये लाखों करोड़ लूटकर उद्योगपति देश से बाहर ना भाग जाएं। अगर ये सवाल कर रहे थे, अगर ये फायदा जनता को हो रहा है तो होने देना चाहिए। यहां 20-20 हजार करोड़ लेकर क्या नीरव मोदी, मेहुल चौकसी भाई, आंकड़ा हजारों को है जो लेकर भाग गए। कैसे महंगाई बढ़ गई, मैंने कुछ भी, अरे बस कर, रुलाएगा क्या? विपक्ष की विशेषता है भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के कारण, भारतीय जनता पार्टी को क्या नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचलने की नीतियों के कारण, सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज जिसके क्या नाम फैसलों के खिलाफ सड़क पर आ जाएं। और सुनिए, जहां पर इनका एक अमित मालवी इलेक्शन कमीशन से पहले इलेक्शन की डेट ट्वीट कर दें, जो यहां पर झूठ बोलते हो, पूरे कानूनों को तोड़ रहे हो, उनके खिलाफ हम अपने मतभेदों के साथ, सुन लीजिए पहले सुनिए तो। अरे भाई आप हमारे सर पे गन लगा के क्यों आप सवाल, हम जवाब। Let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria.